पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वही लखनऊ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया था। शासन प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में साप्ताहिक बंदी के चलते नगर निगम कोरोना और संचारी रोग की रोकथाम के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। बता दें कि आज साप्ताहिक बंदी और ऐसे में नगर निगम और फायर सर्विसेज की गाड़ियां राजधानी लखनऊ के कई इलाकों को सैनिटाइज कर रही हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके को भी सैनिटाइज किया गया। बता दें कि कोविड-19 के मानकों का पालन कराने के लिए नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी और डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड पेशेंट्स के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्रवाई इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा की जा रही है। वहाँ डॉक्टर्स की अधिकारियों की एक डेडिकेटेड टीम है जो 24/7 वर्क कर रही है और 2 घंटे के अंदर ही जैसे ही उनकी सूची अपलोड होती है जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बृहत कंटेनमेंट जोन के बारे में कुछ फैसला लिया जाएगा? देखिए, वर्तमान में आप अवगत हैं कि कंटेनमेंट जोन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पाली कराया जा रहा है और साथ ही साथ सैटरडे संडे को जो साप्ताहिक बंदी के दिन है इस दिन सैनिटाइजेशन का भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेगा सर ये? देखिए, वर्तमान में जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पे अभी है और अभी साप्ताहिक बंदी है जिसके अंतर्गत हम लोग विशेष सैनिटाइजेशन अभियान और डोर टू डोर सर्वे जो स्क्रीनिंग कही जाती है मेडिकल स्क्रीनिंग बहुत ही एग्रेसिव वे में की जा रही है कंटेनमेंट जोन में विशेष रूप से और पूरे क्षेत्रों में ताकि ILI और सारी के विशेष रूप से जो हैं या